कैमूर पुलिस ने दुर्गावती थाना परिसर में 2337 लीटर जब्त शराब को नष्ट किया। मौके पर मौजूद अंचलाधिकारी ने बताया कि डीएम ने बीते दिनों कई इलाकों से जब्त शराब को तत्काल नष्ट करने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि तमाम जिलों के डीएम को सीएम नीतीश कुमार ने सूबे में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने की हिदायत दी है। यही इसी कड़ी के तहत जब्त शराब को नष्ट किया गया। जमशेदपुर के पोटका थाना क्षेत्र के मतकमडी में रिश्ते को शर्मसार करने का मामला सामने आया है, जहां माँ बाप ने ही मिलकर अपने ही बच्चे की गला दबाकर हत्या कर दी। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि अपराधी बच्चे की हत्या कर शव को छुपाने में लगे थे। इसी दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं थाना प्रभारी ने बताया कि मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया गया है और दोनों अपराधियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है। कलोक में हम लोग सत्यापन हेतु यहाँ से प्रस्थान करने बाद ग्रामीणों द्वारा पता चला कि वो मार्शल सोरेन का पुत्र है। कड़ाई से पूछताछ करने पश्चात मार्शल सोरेन और उसकी वाइफ कर्मी सोरेन के द्वारा बताया गया कि हम दोनों के द्वारा ही अपने बच्चे को गला घोट के मार दिया गया। सरायकेला खरसावा जिले के कांगड़ा गांव में एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार दो भाई बुरी तरह जख्मी हो गए। वहीं घटना के बाद ग्रामीणों ने आनन-फानन में दोनों घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां बेहतर इलाज के लिए चिकित्सकों ने उन्हें MGM जमशेदपुर रेफर कर दिया है। आपको बता दें कि सड़क दुर्घटना को अंजाम देकर आरोपी चालक मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस को मामले की सूचना दे दी गई है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। समस्तीपुर के हसनपुरा थाना क्षेत्र में अपराधियों ने चौकीदार ब्रह्मदेव पासवान की को गोली मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 6 की संख्या में आए बाइक सवार अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। इधर घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से कई खोखा बरामद किया है। वहीं शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया और अपराधियों की धर पकड़ में जुट गई है। करीब 1 बजे के बीच में गोली चला है, आया है चौकीदार को मार करके। हम सब रूम में सो रहे थे, हम सब को तो थके मरे रहते हैं। हम ड्राइवर सब हैं, भर दिन काम करते हैं, हम सबको पता नहीं लगा, लेकिन हम सब चीन नहीं पाए उसको। अब कौन आदमी था, 6 आदमी थे। किनको गोली लगा है? गोली लगा है ब्रह्मदेव चौकीदार। बगहा के मेहुरा गांव में आपसी रंजिश में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें 2 महिला समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का इलाज अनुमंडलीय अस्पताल में चल रहा है। वहीं इस घटना में पुलिस ने 1 को गिरफ्तार किया है। बेगूसराय के रघुनाथपुर स्थित NH 31 के पास बाइक सवार अपराधियों ने CSP संचालक विपिन कुमार को लूटपाट के दौरान गोली मार दी, जिसमें बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। परिजनों ने मामले की प्राथमिकी दर्ज करा दी है, जिसके बाद पुलिस अपराधियों की खोजबीन में जुट गई है। रात 9:30 बजे खगड़िया से आ रहे थे सहपुर का रघुनाथपुर में, अपराधियों ने उनको गोली मारी है। अपराधी वहाँ बाइके से था, वो खड़ा था वहाँ पे रघुनाथपुर के पास। खगड़िया से आ रहे थे घर कुरहा। इस घटना में अभी तो हम कंफर्म नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो बेतिया की नगर थाना क्षेत्र स्थित राजडेयरी के पास अपराधियों ने 2 युवकों को चाकू मार दिया। गंभीर रूप से जख्मी दोनों युवकों को GMCH में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने लूटपाट के दौरान चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने अनुसंधान शुरू कर दिया है। कोई देखा है तो ये लोग से नंबर पूछा है तो फ़ोन किया है हमको कि आपका लड़का रात देवड़ी पर बेहोश पड़ा हुआ है, तो हम वहाँ गए हैं। हम मछली व्यवसायी हैं, पार्टी को इमरजेंसी में 50,000 रुपया डालने के लिए बोले। बउआ है, मेरा बेटा है, आदित्य राज नाम है, वहीं जाता है मशीन से डाल देता है, वहीं अब पैसा छीन लिया है लोग, चाकू से मारा है लोग। उसके साथ में जो लड़का था उसको भी चाकू लगा।
जहानाबाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए पुलिस ने 25,000 के नामी अपराधी को धर दबोचा। गिरफ्तार अपराधी के खिलाफ महाराष्ट्र में चैन स्नेचिंग और बाइक चोरी की घटना में शामिल होने का आरोप है। साथ ही कई अन्य राज्यों में भी इस पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। गिरफ्तार अपराधी को जहानाबाद पुलिस ने महाराष्ट्र पुलिस को सौंप दिया है। ये मुंबई पुलिस के हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ उनके यहाँ पालगढ़ डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में बोईसर क्राइम ब्रांच में एक केस 270/20 दर्ज किया गया था। 2020 में महाराष्ट्र में ये एक बाइक चोर और चेन स्नैचर। कटिहार जिले के बलुआ टोला पर अड़रिया में निर्माणाधीन पुल के नजदीक बने गड्ढे में 3 बच्चे मिट्टी में दब गए, जिसमें एक बच्चे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं 2 अन्य बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज कटिहार मेडिकल कॉलेज में जारी है। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं घटना के बाद पुल निर्माण के कार्य में लगे सभी लोग फरार हो गए। मोतिहारी के बांसघाट गांव में जमीनी विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस दौरान 2 महिला सहित 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज चक्की अनुमंडलीय अस्पताल में चल रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस इलाके में कैंप कर रही है। 25 साल से हम मुजफ्फरपुर फुआ कने, फुआ हमको रखे, उसको बाद उस पर जमीन था, तो फुआ के जमीन का दिया हमको। 12 महीना में लड़के के शादी था, हम शादी में अजुरा गए, तले का किया जो मुकेश कुमार और राधिका देवी, सुनीता देवी, दीपक कुमार और निर्मला देवी सब मिलकर जमीन बेच दिया मुस्लिम के हाथे। हमको सर मालूम चला, हम वो जमीन के खोजे जाकर दाखिल खारिज रोके, रोकने के बाद क्या हुआ जो उस पर हम बुरी से आवेदन दिवा। बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर है। इसी कड़ी में सीतामढ़ी में कांग्रेस के प्रवक्ता और रीगा के पूर्व विधायक अमित कुमार टुन्ना ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। यही नहीं, नहीं सालों से रीगा में बंद पड़े चीनी मिल का मुद्दा उठाते हुए भी पूर्व विधायक ने सीएम नीतीश पर निशाना साधा। तो हम लोग धन्यवाद देने के लिए फोन प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, जो लोग हमारे किसान महापंचायत में लोग आए। आप मीडिया वाले को भी बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने जो जिस तरह से लोगों की बात को रखा, बहुत बड़ी बात है। और हम लोग आज जो सीतामढ़ी की स्थिति है और नीतीश कुमार का जो नया रोजगार शुरू हुआ है, बेरोजगारों को जो रोजगार दे रहे हैं, हत्याओं और लूट का जो रोजगार शुरू कर रहे हैं, उसके खिलाफ बैठे हैं, बात करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि सीतामढ़ी में अगर कोई व्यवसायी का हत्या होता है तो हमारे कोई भी जनप्रतिनिधि। मंगलवार को बिहार विधानसभा की बजट सत्र की कार्यवाही से पहले एक बार फिर विपक्ष ने कई मुद्दों को उठाते हुए नीतीश सरकार पर हमला बोला। इसी कड़ी में आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था चौपट है, लेकिन सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं। यही नहीं, आरजेडी विधायकों ने नारेबाजी करते हुए नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। रहता मुख्यमंत्री के पास लगातार कितनी बार गृह विभाग रहा है, आज भी है गृह विभाग उन्हीं के जिम्मे, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं चाहते हैं कि बिहार सुधरे। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बिहार को सीजन तिलांजलि दे सकते हैं, लेकिन अपनी कुर्सी को तिलांजलि नहीं दे सकते। सर, कानून व्यवस्था को लेकर के सरकार सदन में भी मामला उठाई क्या? तो आपको बता दें कि आरजेडी का हंगामा विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले दिखा और कई मुद्दों पर नीतीश सरकार को घेरने की कोशिश आरजेडी लगातार कर रही। हालांकि कल इसे लेकर समीक्षा एक सर्वदलीय बैठक भी बुला गई थी, किस तरह से सुचारू रूप से विधानमंडल की कार्यवाही चली दी जाए, जिसमें तमाम विपक्ष के नेता मौजूद थे। लेकिन इस बार बजट सत्र हंगामेदार ही रहा है, क्योंकि लगातार विपक्ष विधानसभा के बाहर सत्ता पक्ष के खिलाफ नारेबाजी कर रही है और शराब माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप भी लगा रही है नीतीश सरकार पर।
तो आपको बता दें कि बजट सत्र की कार्यवाही का मंगलवार दिन के पहले कार्यवाही शुरू होने से पहले लगातार विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया और लगातार विपक्ष हंगामा भी कर रही है। शराब माफियाओं को संरक्षण देने का काम कर रही है, यह आरोप नीतीश सरकार पर लगाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा। सरकारी बैंकों के निजीकरण के खिलाफ देश भर के सरकारी बैंकों में हड़ताल का आज यानी मंगलवार को दूसरा दिन है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर कर्मियों ने यह हड़ताल की है। यूनियन नेताओं ने इन दो दिनों के इस हड़ताल में करीब 10 लाख बैंक कर्मचारी और अधिकारियों के शामिल होने का दावा किया है। इस हड़ताल के चलते बैंक शाखाओं में पैसा निकालने और जमा करने, चेक क्लियरेंस और ऋण मंजूरी जैसी सेवाओं पर भारी असर पड़ा है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने शराबबंदी कानून को लेकर उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें सीएम ने शराब पीने वालों के साथ साथ शराब माफियाओं पर भी नकेल कसने का निर्देश दिया। साथ ही शराब के सेवन से होने वाले नुकसान के बारे में लोगों को सोशल मीडिया और दूसरे प्रचार तंत्रों के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाने पर चर्चा की। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों में से विपक्ष शराबबंदी कानून को लेकर नीतीश सरकार के खिलाफ हमलावर हो रहा है।